जय इलेक्ट्रोमोपैथी, मैं डॉक्टर रणधीर शर्मा आज उपस्थित हुए हैं लिम्फेटिको का प्लांट्स नंबर 7 और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का प्लांट्स नंबर 24 लेकर, और इस प्लांट्स का नाम है पल्मोनोरिया ऑफिशिनलिस। पल्मोनोरिया ऑफिशिनलिस इसका कॉमन नेम है लंग वॉर्ट, और यह रेमेडी जो यूज़ हुई है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में L1, L2, C11 और S5 में इस्तेमाल किया गया है। यह पल्मोनोरिया ऑफिशिनलिस जो है फैमिली बोर्गिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, और यह इसकी जात की प्रजातियां यूरोप में पाई जाती है, और इसको जो यूज़ होते हैं इस पार्ट्स के पल्मोनोरिया ऑफिशिनलिस का इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, जो फ्लावर लीव्स और शूट्स का इस्तेमाल किया गया है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्लांट्स में बनाने में। इसका जो यूज़ है, इसके जहाँ जहाँ यूज़ होते हैं उसके बारे में बताते हैं। एक्सपेक्टोरेंट में काम आता है, ड्यूरेटिक में काम आता है, एस्ट्रिजेंट में काम आता है, हेल्प इन सेल जनरेशन में काम आता है, डायरिया में काम आता है, हेमेरॉयड में काम आता है, थ्रोट इरीटेशन में काम आता है, सोथ लंग्स में काम करता है, एक्सपेल कटारह में काम करता है, कफ में काम करता है, और ब्रोंकाइटिस में यह पल्मोनोरिया ऑफिशिनलिस वर्क करता है। इसकी जो ढांचाई होती है, राइजोम क्रीपिंग लीव्स रहता है, लीव्स वाइट स्पॉटेड होता है, और फ्लावर जो होता है ब्लिस्टर के हिसाब से रहता है। इसमें जो पाए जाए वाले कॉन्स्टिट्यूंट हैं जो है बीटर एस्ट्रिजेंट और म्यूकिलेज नाम का कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं, और आज हमने जाना कि L1 का लिम्फेटिको का प्लांट्स नंबर 7 और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का प्लांट्स नंबर 24 पल्मोनोरिया ऑफिशिनलिस। अब हम आगे आने वाले वीडियो में जानेंगे लिम्फेटिको का प्लांट नंबर 8 और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का प्लांट्स नंबर 25 के बारे में हम जानेंगे। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में फिर रूबरू होंगे। जय हिंद, जय इलेक्ट्रोहोम्योपैथी।